हेलो बच्चों इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे क्रियाकलाप किए हैं चलिए हम भी एक क्रियाकलाप करते हैं और इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया के एक और प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसमें है सबसे पहले ये देखिए एक लोहे की कील मेरे हाथ में है जो इस प्रकार धागे से बंधी हुई है लोहा मतलब आयरन आयरन का रासायनिक संकेत तो आप लोग जानते ही होंगे हाँ जी बिल्कुल एफ ई इसी के साथ मेरे पास यहां परख नली में देखिए यह नीले कलर का विलियन आपको दिखाई दे रहा है यह है कॉपर सल्फेट जिसे हमने समान सांद्रता में लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र सी यू एसओ फोर तो चलिए हम अपने क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं इसके लिए हम किसी एक परख नली को ऐसे ही अवस्था में छोड़ देते हैं और दूसरी परख नली में इस धागे से बंधी हुई लोहे की कील को विलियन में इस प्रकार से डुबाएंगे कि वह पूरी तरीके से डूब जाए पर बच्चों सावधानी ये रखें कि हमें लोहे की इस कील को रेतमल पेपर से अच्छे से रगड़कर साफ करना होगा ठीक है तो चलिए इसे डुबा दें 30 मिनट के लिए इस प्रकार परख नली में डुबा कर रख देते हैं तो इस तरह हमने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में 30 मिनट के लिए डुबा कर छोड़ दिया है अब हम बिल्कुल 30 मिनट के बाद वापस आकर देखेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है तो बच्चों चलो अब हम तीस मिनट बाद इस कील में हुए परिवर्तन को देखते हैं देखिए इसे मैं इस तरीके से इस विलियन से बाहर निकाल लेती हूं और अब एक दूसरी कील से जिसे हमने विलियन में नहीं डुबाया था इससे इसकी तुलना करते हैं देखिए तो क्या आप इसमें कोई परिवर्तन देख पा रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि इस कील में एक तांबे का रंग का लेयर दिखाई दे रहा है हमें है ना और इसके साथ ही ये जो परखनली में हमने कॉपर सल्फेट रखा हुआ था इसमें से ये जो अपनी पूर्व अवस्था में था इसका रंग तो वही है लेकिन जिसमें हमने कील डुबा रखी थी उसका रंग हल्का हो गया है इसके पीछे कारण यह है कि जो आयरन होता है वह कॉपर से अधिक सक्रिय होता है इसलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और वही कॉपर जो है वो हमारी इस कील में ऊपर परत के रूप में चढ़ा हुआ है और इसी वजह से परख नली के विलयन का जो रंग है वो भी हल्का हो गया है क्योंकि आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया आप यहां पर देख पा रहे हैं